अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? मौसम का सुनाइए भाई। हमारे इधर तो यही हाल है, अभी तक कैब सर से नहीं उतरा। और इसके अलावा नज़ला, जुकाम, खांसी। लेकिन उसका एक फायदा मुझे ये जरूर हुआ है कि मेरा वोकल टोन बहुत जबरदस्त हो गया। बहुत से सुनने वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज में ये जो गंभीरता आ गई है ये आपके वीडियो की डिमांड है। लेकिन मैं क्या करूं, ये नज़ले और खांसी की मेहरबानी है। तो इंशाल्लाह जब ये ठीक होगा तो गला भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे ये टोन पसंद है और मेरी कोशिश है कि मैं ज़रा थोड़ा सा गंभीर लहजे में आपसे बात करूं। लेकिन क्या करूं, जब फिल्म का रिव्यू देना होता है तो मेरे अंदर इतना जोश होता है कि मेरा दिल कहता है कि आपको जल्द अज जल्द सब कुछ बता दूं, छोटी छोटी बात, पंजाबी में जिसको कहते हैं ना ईची बीची, सब बता दो। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे, जहां भी ये वीडियो देख रहे होंगे, खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल क्रिसेंट हिस्ट्री। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे, ये एक उर्दू फिल्म थी जो 22 सितंबर 1950 को जुमा के दिन नुमाइश के लिए पेश की गई और इस फिल्म का नाम था शमी। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म लाहौर में शूट की गई। असल में ये पंजाबी उर्दू मिक्स फिल्म थी जो मलका पिक्चर्स के बैनर तले बनाई गई। मलका पिक्चर की मालिक मलका पुखराज थी जो खुद भी एक नामवर गुलूकारा थी और जिन्होंने लाहौर में अपना एक स्टूडियो भी खरीद रखा था। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी मलका पुखराज ने किया। इस फिल्म के मुसन्निफ बाबा आलम स्यापोश थे और इसके डायरेक्टर मुंशी दिल थे। इस फिल्म के कैमरामैन अहमदुल्ला अजमेरी थे। इस फिल्म में जिन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, इनमें शमी, संतोष कुमार, शोला, बिब्बो, गौरी, गुलाम मोहम्मद, अजमल, एम इस्माइल, फजल शाह और माया देवी शामिल थे। शमी, जो इससे पहले भी फिल्मों में करैक्टर एक्टर में आती रही, पहली बार इस फिल्म में टाइटल रोल के लिए उनका इंतखाब किया गया। इस फिल्म की खास बात जो हम आपको बताना जरूरी समझते हैं कि ये बर्र सगीर पाको हिंद की गालबन और पाकिस्तान की यकीनन पहली फिल्म थी जिसका नाम किसी अदाकारा के नाम पर रखा गया, यानी कि शमी। और शमी ही इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रही थी। इस फिल्म के मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन थे और इसके गानों की शायरी में तनवीर नकवी, कतील शिफाई, मुंशी दिल, तोफैल होशियारपुरी, बाबा आलम स्यापोश, सागिर सिद्दीकी और इकबाल सफी के नाम शामिल थे। इस फिल्म में मुनव्वर सुल्ताना, जीनत बेगम, पुखराज पप्पू, इकबाल बेगम, नसीम अख्तर और इनायत हुसैन भट्टी के अलावा मलका पुखराज ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। इस फिल्म में कुल 9 गाने शामिल थे जिनमें इनायत हुसैन भट्टी और मलका पुखराज का गीत डर मत आजा हो, मुनव्वर सुल्ताना, जीनत बेगम और नसीम अख्तर का पंजाबी गीत धक धक जवानी, मलका पुखराज और इनायत हुसैन भट्टी का दो गाना मजबूर जिंदगी का अफसाना क्या सुनाएं, जीनत बेगम, पुखराज पप्पू और मलका पुखराज का गीत मेरा नर्म कलेजा डोले, इकबाल बेगम का गाया हुआ सोलो गीत जो के पंजाबी था मेरी अख मस्तानी फड़के दिल धड़के, इनायत हुसैन भट्टी का सोलो गाना सूहे चूड़े वालिए हाय नी इक वारी आजा। और ये गीत जाती तौर पर मुझे भी बहुत पसंद है। सूहे चूड़े वालिए हाय सूहे
जुड़े वाली हाय नी एक वारी आ जा सानू मुखड़ा दिखा जा सूहे जुड़े वाली जुड़े वाली नी एक वारी आ जा सानू मुखड़ा दिखा जा सूहे जुड़े वाली। जबरदस्त गीत। उसके अलावा तीन और गीत, यानी कहती है मोहब्बत मुझे अपना ना बनाना, लैले साथों, तीसरा गीत पायल छनकाए कंगन खनकाए चमक चमक लहराए शामिल थे। इन तीनों गीतों के गुलूकारों के बारे में कोई पता नहीं चल सका कि ये किसने गाए, लेकिन बहरहाल ये गीत इसमें शामिल थे। ये फिल्म 22 सितंबर 1950 बरोज जुमा को लाहौर कराची में बयक वक्त नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में 5 हफ्ते और लाहौर में पर्दा स्क्रीन पर रहने के बाद इस फिल्म ने औस दर्जे का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर उम्दा परफॉर्मेंस देने में नाकाम हो गई। तो ये था फिल्म शम्मी का एक रिव्यू। हमारी कोशिश होती है कि हमें जिस कदर भी मालूमात किसी भी फिल्म के बारे में हासिल हो सके हम उन्हें मनोन आपके सामने पहुंचाए। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है, उम्मीद है आप इसको बड़ा जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, जो कि हमारे लिए बेहतरी का बायस है। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने लिए नहीं मेरे लिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।